तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। शिवपुरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत लाल माटी शिवा फिटनेस जिम के पास एक तेज रफ्तार कार ने साइकिल सवार युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार छोटू कुशवाहा पिता संतोष कुशवाहा उम्र 20 साल निवासी शारदा कॉलोनी फतेहपुर पोरी बस स्टैंड पर इलेक्ट्रीशियन की दुकान पर काम करता है, जिससे वहां से साइकिल से अपने घर की ओर जा रहा था। तभी लाल माटी शिवा फिटनेस जिम के पास कार क्रमांक MP33BB1768 ने उसकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उपचार हेतु शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। क्या नाम तुम्हारा? विष्णु कुशवाहा। ये एक्सीडेंट हुआ, ये आपके कौन है? दोस्त है। क्या नाम है? कार से इनका एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट कार से हुआ था। कार से? हाँ। कैसे, कार से कहाँ जा रहे थे? ये इधर से काम करके जा रहा था, उधर से गाड़ी आ रही थी, साइकिल से था उधर, वो गाड़ी से था। गाड़ी वाले इसने मतलब इसकी साइड पर था, गाड़ी वाले ने इसकी साइड पर ही आगे दिया। तो क्या काम करते हैं? जी, काम दुकान पर करते हैं, इलेक्ट्रीशियन का। छोटू कुशवाहा। फतेहपुर शारदा कॉलोनी। गाड़ी पकड़ी आई क्या? वो गाड़ी नहीं, उसका नंबर मिल गया, प्लेट वगैरह उसकी टूट के वहीं पर गिर गई थी, तो हमने पकड़ लिया उसको, ले लिया। हाँ, लिखवा दी थाने। हाँ जी, अकेले थे, कुछ पास वाले ने आके उठा के एडमिट किया। अब हालत कैसी बता रहे हैं? हालत तो अभी थोड़ा गंभीर है। ये एक्सीडेंट किस जगह हुआ था? ये बाईपास फतेहपुर लाल माटी के पास। हाँ हाँ। कोई प्रॉपर जगह है कोई, जैसे निश्चित हो सके, जैसे सीसीटीवी फुटेज निकालवाए? हाँ, शिवा फिटनेस वाला कोई जिम करके है वहाँ पे। फिटनेस जिम के पास में हुआ है। हाँ। राजवान कुशवाहा। जी, एक्सीडेंट हुआ, ये कौन है आपके? ये मेरा भतीजा है। क्या नाम है इसका? छोटू कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? हम फतेहपुर 26 नंबर कोटी शारदा कॉलोनी 15 नंबर वार्ड। ये एक्सीडेंट हुआ है किस जगह हुआ है? ये हुआ है ये लाल माटी के बगल में, पास में। हाँ। तो आपको कैसे पता पड़ा एक्सीडेंट होने? हमें दूसरे ने यहाँ से कॉल लगाया था कि आपका छोटू कौन लगता है कहीं। मैंने कि हमारा भतीजा का उसका एक्सीडेंट हो गया, कि उसके पास कोई नहीं है, तुम जल्दी जल्दी आ जाओ। अच्छा, उन्हीं के द्वारा इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया? अब जो मालूम नहीं उनने कराया और कोई ने कराया, बस इतना किया था। उसके बाद हम फोन काट दिया, हमारे की अलवा आ गए थे घर में। जब ट्रीटमेंट चल रहा था हम आ गए थे, पर कोई नहीं मिला था, मैं साथ में अकेला डरा था। एक्सीडेंट किससे हुआ है? ये हुआ है जो छोटी वाली बहन होती है कार वाली, उससे हुआ है ये। तो ये कार से थे? ये साइकिल से था, जो अपनी साइड आ रहा था, जो इसने साइड भी दबा ली, तब भी उसने उल्टी साइड में दी इसने गाड़ी। अच्छा, जिसका कुछ पता चला? नंबर वगैरह मिले? नंबर है, प्लेट वगैरह की है गाड़ी की। आपने रिपोर्ट वगैरह की है? रिपोर्ट डाल दी। हाँ। तो यहाँ पर इसकी हालत कैसी बताई जा रही है? बिल्कुल सीरियस है, गंभीर। हाँ बिल्कुल, कल से सुबह से सीरियस है, बिल्कुल बोले भी नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा ही बोल रहा है। एक्सीडेंट कब हुआ था? कितने टाइम? जी हुआ है 8:30 बजे 8:45 बजे के बीच में, सुबह शाम का। हाँ, शाम के टाइम। कौन है आपका? जी भतीजा है। हाँ। क्या करता है? काम भी करता है, दुकान पर चले जाता है, पढ़ाई भी करता है। क्या की दुकान पर काम करता है? परचूनी की। कहाँ से आ रहा था? दुकान पर से जा रहा था, घर पे कौन जा रहा था। हाँ। दुकान किस जगह? दुकान किस जगह अब जी तो मालूम नहीं है सर, किस जगह दुकान? घोड़े चौराहे।